सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का पोएम नंबर सेकंड, जिसका नाम है फ्रॉम होमकमिंग, जो कि लिखी गई है राजगोपाल पार्थसारथी के द्वारा। और ये ऐसे कवि हैं जिनको दो भाषा में लिखने का ज्ञान है, पहला तमिल और दूसरा अंग्रेजी। और इन्होंने अंग्रेजी भाषा को बहुत ही सभ्य भाषा समझकर अंग्रेजी भाषा में लिखने का सोचा और ये अब्रोड से वापस अपने होम टाउन यानी कि तमिल आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश को एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज समझकर कवि बनने की सोची। और विदेश में जब इन्होंने देखा कि इनकी जो कविताएं हैं वो उतनी प्रसिद्ध नहीं हो पा रही हैं, तो इन्होंने मन बनाया कि क्यों ना अपनी ही भाषा में यानी कि तमिल भाषा में लिखा जाए और अपने होम टाउन में चला जाए। तो इसीलिए ये अब्रोड से अपने होम टाउन यानी कि तमिल में वापस आ रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैसेज को। आई एम नो लॉन्गर माई सेल्फ एज आई वॉज, द इवनिंग ब्लर, द ट्रैफिक टू अ पेयर ऑफ ऑबीज हेड लाइट्स। हियर द पोइट डिस्क्राइब हिज रिटर्न होम आफ्टर हिज लॉन्ग स्टे अब्रोड, यानी कवि कहते हैं कि एक लंबे समय बाद वे अपने होम टाउन वापस आ रहे हैं। ही इज़ रिटर्निंग होम इन द इवनिंग, वो बताते हैं कि वो शाम को अपने घर आ रहे हैं। ही से दैट ही इज़ नो लॉन्गर हिमसेल्फ, और ये कहते हैं कि अब वो नहीं रह गए जो कि वह पहले थे, अब उनकी पहचान गायब सी हो चुकी है। ही इज़ नॉट एबल टू सी हिज ट्रू सेल्फ, और ही हैज़ लॉस्ट हिज आइडेंटिटी, और यहाँ पे कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी पहचान खो दी है जो वो उनकी पहचान हुआ करती थी। सिमिलरली व्हेन ही सीज आउटसाइड, और इसी तरह से जब वो बाहर देखते हैं हिज कार, ही इज़ नॉट एबल टू सी हिज वे क्लियरली, और जब वो बाहर देखते हैं तो वो देखने में असक्षम होते हैं, यानी कि बाहर के नज़ारे को वो देख नहीं पाते हैं ड्यू टू द बिग हेडलाइट्स, क्योंकि बाहर बहुत बड़े बड़े हेडलाइट्स लगी हुई थी। द बिग हेडलाइट्स ब्लर द ट्रैफिक एंड अल्टीमेटली मेक अ डिफ़िकल्ट फॉर द पॉइंट टू नो हिज वे, और यहाँ बड़ी बड़ी जो हेडलाइट है उनकी वजह से ब्लर हो रहा है और इसीलिए वे अपने रास्ते को समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट पैसेज में पॉइंट बताते हैं। आई रिटर्न होम टायर्ड, माई फेस प्रेस्ड अगेंस्ट द विंडो ऑफ एक्सपेक्टेशन, आई क्लाइम द स्टेप टू माई फ्लैट ओनली टू ट्रिप ओवर द मैट आउटसाइड द डोर। द पॉइंट इज रिटर्निंग फ्रॉम एब्रोड, यानी कि कवि एब्रोड से वापस अपने होम टाउन आ रहे हैं। ही इज़ रिटर्निंग विद टायर्डनेस, और ये बहुत ही थके हुए हैं। थकने का मतलब इससे नहीं है दोस्तों कि शारीरिक रूप से थके हैं, ये मानसिक रूप से थक चुके हैं। आगे हम देखते हैं। ही इज़ टायर्ड बिकॉज ही थिंक दैट इंग्लिश इज़ वेरी गुड लैंग्वेज एंड ही स्टार्टेड राइटिंग इन टू इट, बट बाई पुटिंग सो मच एफर्ट ही इज़ फेल टू राइट अ गुड पोइट्री इन इंग्लिश, दैट्स वाई ही इज़ टायर्ड। हमने बताया था अभी कि ये थके इसीलिए हैं क्योंकि जब ये विदेश गए और इन्होंने बहुत ही कोशिश करी इंग्लिश में अच्छी कविताएं लिखने की, लेकिन ये लिख नहीं पाए। इन्होंने पूरी कोशिश करी लेकिन जब इनकी कविताएं फेल हो गई, असफल हो गई, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो बहुत ही थक चुके हैं। एंड ही डिसाइडेड टू शिफ्ट बैक टू तमिल लैंग्वेज, और कवि यहाँ पर कहते हैं कि वो दोबारा से अपनी तमिल लैंग्वेज में जाना चाहते हैं और उनकी कविताएं अब तमिल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं। ही हैज़ प्रेस्ड हिज फेस अगेंस्ट द विंडो ऑफ हिज कार एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन हिज हार्ट, और कवि यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने अपना चेहरा कार के विंडो के पास रखा हुआ है और उनके अंदर बहुत सी एक्सपेक्टेशन है अपनी कविताओं को लेकर कि वे अब दोबारा से तमिल में लिखेंगे और उनकी कविताएं अब दोबारा से फेमस होंगी। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द राइटिंग इन तमिल अगेंस्ट टू विन हिज लॉस्ट आइडेंटिटी बैक, और यहाँ पर उनकी आशाएं ये हैं कि वापस से जब ये तमिल में लिखेंगे और इनकी वापस से पुरानी पहचान जो कि तमिल में लिखा करते थे और ये उनकी पहचान दोबारा से इनको मिलेगी। ही क्लाइम्स द स्टेप टू हिज फ्लैट एंड हिज ट्रिप ओवर द मैट आउटसाइड हिज डोर, और यहाँ पे कहते हैं कि ये फ्लैट के ऊपर जब चढ़ते हैं और स्ट्रिप ओवर द मैट, यानी कि इनकी जो पैर हैं यहाँ पर चटाई पर या उनके फर्श पर इनके पैर जो है लड़खड़ा रहे हैं आउटसाइड हिज डोर, कहने का भाव ये है कि क्योंकि इनको पहले बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी तमिल की, लेकिन इन्होंने बहुत से समय अंग्रेजी पर ध्यान दिया है और अब धीरे धीरे इनमें कहीं ना कहीं तमिल को लेकर भी संदेह है कि क्या ये तमिल में अच्छा लिख पाएंगे या नहीं।
दिस लाइन कैन बी अंडरस्टूड एज दैट ही क्लाइम्स द स्टेप्स टू राइट इन तमिल लैंग्वेज बट वुड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि ये कहने का मतलब ये है कि तमिल लैंग्वेज में लिखना तो चाहते हैं लेकिन क्या इनको वापस से वो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, बिकॉज तमिल इज़ नो लॉन्गर द लैंग्वेज ऑफ द क्लासिक, इट इज़ नाउ बिकम अ लैंग्वेज ऑफ मीडिया। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तमिल लैंग्वेज में अब लोग इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं और ये क्लासिक लैंग्वेज नहीं रही, यानी कि साहित्यिक वाली लैंग्वेज नहीं रह गई है, ये केवल मीडिया वाली लैंग्वेज बन चुकी है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट अब तमिल में नहीं रहा। थर्ड पैसेज में कवि बताते हैं, द किस गोज टू स्लीप इन माई पाम, आई फियर आई हैव बॉज अगेन, दैट लास्ट रिफाइनमेंट ऑफ स्पीच टेरिफाइज मी, द पोइट इज कमिंग टू अब्रॉड विद ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट विद हिमसेल्फ ऑफ नॉट एबल टू राइट अ गुड पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब वो अब्रॉड से अपने होम टाउन आते हैं तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि वो एक अच्छी लैंग्वेज में इंग्लिश की पोएम नहीं लिख पा रहे थे, तभी उनको यहाँ पर आना पड़ा। ही इज़ कमिंग टू हिज होम विच मीन्स बेसिक लैंग्वेज विद हाई होप्स, बट व्हेन ही इज़ कम ही सी दैट नाउ तमिल नॉट वाइडली यूज। यानी कभी कहते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने ये सोचा कि तमिल तो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही उम्मीद लगाकर आए थे, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि तमिल लैंग्वेज अब हर जगह इस्तेमाल नहीं होती है और बहुत कम जगह ही इस्तेमाल होती है। सो इन सैड टोन ही यूजेस द फिगर ऑफ स्पीच, और यहाँ पर वह दुखद भाव से एक फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब कुछ ऐसा जोड़ देना जिससे कविताएँ बहुत ही अच्छी बन जाती हैं, तो वो एक सैड स्पीच यहाँ पर बोलते हैं, द की गोज टू स्लीप इन माई पाम, यानी कि वह चाबी जो कि मेरे हाथों में अब सो रही है। कहने का भाव ये है कि ना तो वो अब इंग्लिश में पोएम लिख सकते हैं और उनको जो तमिल पोएम लिखने आती भी थी, अब क्योंकि उन्होंने जब यहाँ पर अपने होम टाउन आए तो उन्होंने देखा कि तमिल पोएम अब वाइडली यूज़ नहीं होती है। थ्रू दिस ही वांट टू एक्सप्रेस दैट द की टू ओपन एनी डोर ऑफ सक्सेस हैज स्लीप्ड, और यहाँ पे बताते हैं कि जो वो चाबी थी जिससे उनका दरवाज़ा खुल सकता था, अब वे उनकी सक्सेस का जो चाबी है वो स्लीप यानी कि बंद हो चुका है, क्योंकि अब हम यहाँ पे जान पा रहे हैं कि ना तो वो इंग्लिश में लिख सकते हैं और ना ही तमिल में, अब उनकी सक्सेस है वो अब यहाँ पर रुक चुकी है। एंड ही अगेन फेल टू गेट हिज आइडेंटिटी बैक, और अब ये दोबारा से अपनी उस पहचान को पाने में अब असक्षम है क्योंकि अब ये तमिल में भी नहीं लिख सकते। ही हैड दो दैट इंग्लिश इज़ रिफाइंड लैंग्वेज एंड हैड स्टार्टेड राइटिंग इन दिस लैंग्वेज, बट नाउ ही फाइंड्स दैट ऑल हिज एफर्ट्स हैड कम टू नथिंग, ही फील्स टेरिफाइड एट द काइंड ऑफ पोइट्री एज राइट्स इन इंग्लिश। और अभी कहते हैं कि इंग्लिश एक बहुत ही रिफाइंड लैंग्वेज के तौर पे इन्होंने स्टार्ट किया था इसमें लिखना, लेकिन अब इन्होंने देखा कि इंग्लिश में जो ये कविताएँ लिखते हैं ये बहुत ही ख़राब और बेकार होती हैं, और अब इनको बहुत ही डर लग रहा है एज अ पोइट क्योंकि इनका करियर अब यहाँ पे समाप्त हो चुका है क्योंकि अभी इंग्लिश में भी नहीं लिख पा रहे और तमिल भी इनके हाथ से निकल चुकी है। फोर्थ पैसेज में कवि बताते हैं, द बैलून ऑफ द पोइट्री हैज़ ग्रोन रेड इन द फेस विद अ रिपीटेड ब्लोइंग। यहाँ पे कवि बताते हैं कि एक कवि बलून को फुलाने की पूरी कोशिश करता है और बहुत ही मेहनत करता है, और जब वो पूरी मेहनत से फुलाता है तो उसका चेहरा जो है वो लाल पड़ जाता है उसके एफर्ट्स लगाने की वजह से, लेकिन फिर भी अंत में उस बलून को फुला नहीं पाता है। सेम इसी तरह से भी कवि कहना ये चाहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, लेकिन अंत में वो कविताओं को लिख नहीं पाए और वो असफल हो गए। फॉर स्क्रिप्चर्स आई देयरफॉर रिकमेंड द हम्बल न्यूज़पेपर, फाइंड आई माई प्रेयर ऑकेशनली आंसर देयर, द पोइट हैड अ डीप डिज़ायर टू राइट अ गुड पोइट्री। कवि के अंदर इच्छा होती है बहुत अच्छी कविताएँ लिखने की, ही थॉट दैट इंग्लिश इज अ रिफाइंड लैंग्वेज एंड स्टार्टेड राइटिंग इन टू इट एंड फेल्ड। उन्होंने सोचा था इंग्लिश बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, यह बहुत ही सभ्य लैंग्वेज है, और उन्होंने स्टार्ट किया लेकिन वह फेल हो गए। एंड डिसाइडेड टू राइट इन तमिल बट ही लॉस्ट हिज अपॉर्चुनिटी टू, और उन्होंने
तमिल भाषा में लिखने के भी प्रयास किए, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने अपनी इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। नाउ डिसपेयर ही इज़ रिकमेंडिंग हिमसेल्फ द न्यूज़पेपर इन प्लेस ऑफ राइटिंग पोइट्री, और अब यहाँ अपनी पोइट्री की बजाय वह न्यूज़पेपर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना या उसमें रुचि लेना कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ही कंसिडर न्यूज़पेपर ग्रेटर दैन हिज पोइट्री बिकॉज इट माइट एट लीस्ट कंटेन सम यूज़फुल इंफॉर्मेशन, और ये कहते हैं कि न्यूज़पेपर में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। पैसेज 6, आई शैल परहैप्स गो ऑन लाइक दिस अनमाइंडफुल ऑफ द डे मेल्टिंग इन टू नाइट माई हार्ट आई हैव टर्न इन साइड आउट। पोइट हैड फेल्ड इन राइटिंग गुड पोइट्री इन इंग्लिश एंड ऑल्सो हैड नो चांस टू राइट इन हिज ओन लैंग्वेज दैट इज तमिल। पोइट यहाँ पे कहते हैं कि वो फेल हो चुके हैं इंग्लिश को लिखने में, साथ ही साथ वे तमिल को भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमने जैसा कि भी देखा कि तमिल का भी क्रेज अब ख़त्म हो चुका है। इन डिससेटिस्फेक्शन ही सेज दैट आई गो लाइक दिस मीन आई विल मूव ऑन विद व्हाट लाइफ हैज़ ऑफर टू मी, और अब वो कहते हैं क्योंकि वे बहुत ही असंतुष्ट हैं और वो कहते हैं कि लाइफ मुझे जो भी देगी मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। इन लिविंग लाइक दिस आई विल बी अनअवेयर ऑफ द डे एंड नाइट एंड मे कॉम्प्राइज विद द सिचुएशन एंड बाई राइटिंग दिस पोएम ही हैड ओपन हिज हर्ट एंड एक्सप्रेस ऑल हिज इनर फीलिंग्स और हिज इनर थाट ऑफ अस। कवि यहाँ पर बताते हैं कि इसको लिखते वक्त उन्होंने अपनी दिल की सारी बातें हमें यहाँ पर बता दी है कि उनके मन में क्या क्या चल रहा है, कि उनकी ज़िंदगी कैसे अब स्टॉप हो चुकी है और अब उन्होंने अपनी लेखन कला को छोड़कर एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें।